Hi everyone, this is Rahul. आज आपके सामने फिर से आया हूँ. आज हम कंपेयर करने वाले हैं सिस्टा 70 657. हम देखते हैं कौन सा बेहतर. अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें, HDIPS डिस्प्ले मिलती है दोनों में. इसकी 17.3 इंच की डिस्प्ले है कि 15.5 इंच की डिस्प्ले, जो कि एक एवरेज साइज है. काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बड़ी स्क्रीन है. इसकी काफी बड़ी है लेकिन आपको कैरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें प्रोसेसर हमें Ryzen 5 का मिलता है जो कि 4600H है. इसमें हमें Intel i5 9th जनरेशन. अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आपको Ryzen 5 की तरफ जाना चाहिए. बाकी अगर नॉर्मल यूजर है तो Intel i5 9th की तरफ जा सकते हैं. दोनों में हमें 8GB की रैम मिल जाती है, पर इसमें हमें 2 स्लॉट्स मिलते हैं, इसमें हमें 1 स्लॉट मिलता है. दोनों में एक्सपेंडेबल करीब 32GB तक. दोनों में 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है. NVIDIA का GTX 1650 मिलता है, इसमें DDR6 है और इसमें DDR. दोनों में हमें प्री इंस्टॉल विंडोज 10 मिलता है. इसमें हमें 150W का चार्जर मिलता है जो कि बहुत अच्छा है. इसमें हमें 135W का चार्जर. इसमें हमें RGB लाइटिंग मिलती है, कीबोर्ड लाइटिंग. इसमें हमें सिंपल व्हाइट लाइट. इसका 2.6 kg वेट है, इसका 2.2 kg. थोड़ा सा निराश कर सकता है अगर आप ट्रैवल करते हैं ज्यादा. अगर आप फिंगरप्रिंट लवर है तो आपको Acer की तरफ जाना चाहिए. दोनों में हमें 720p का HD वेबकैम मिलता है. इसमें हमें स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर ऊपर की साइड है और इसमें नीचे की साइड. अब हम देखेंगे दोनों की साउंड क्वालिटी. तो आपने देखा दोनों की साउंड क्वालिटी और स्क्रीन क्वालिटी. इसकी साउंड थोड़ी कम है, इसकी काफी अच्छी. आप गेम खेलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा. अब हम इसके पोर्ट्स देख लेते हैं. ये पावर के लिए दिया है, ये LAN के लिए दिया है, ये HDMI के लिए दिया है और 2 USB के लिए दिए हैं, एक टाइप सी के लिए, ये 3.5mm जैक के लिए दिया है और इस साइड भी एक USB दिया हुआ है, ये लॉक के लिए दिया हुआ है. तो एग्जॉस्ट वेंट दिए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम लुक देते हैं. ये हनीकॉम का डिज़ाइन मिलता है, पर पूरे में ये ओपन नहीं है, सिर्फ कुछ जगह पे है. ये कुछ कुछ जगह पे ओपन है, बाकी ये पूरा सब डिज़ाइन है. अब हम इसका देखते हैं. इसमें हमें एक LAN के लिए दिया हुआ है, एक HDMI के लिए दिया है, ये टाइप सी के लिए दिया है, ये 2 USB के लिए दिया है और ये लॉक के लिए दिया हुआ है. और फिर क्या है इसमें, इसमें ये एक USB के लिए फिर से एक यहाँ दिया हुआ है, ये पावर के लिए दिया हुआ है, ये इनके फैन के लिए है, ये 3.5mm हेडफोन जैक है और इसमें इन लोगों ने एग्जॉस्ट फैन के लिए ये ओपन दिया हुआ है. सिंपल सा है, बहुत नॉर्मल. इसका बैटरी आप 5 से 6 घंटे का करीब 7-8 घंटे. इसमें थोड़ा ज्यादा मिलता है अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो. दोनों में एडाप्टर लगा कर ही खेलेंगे. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो A17 बहुत शानदार होने वाला है आपको. अगर आप गेमिंग लवर है तो आपको भाई मजा आ जाएगा. सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि A17 मैं यूज कर रहा हूँ. बहुत ही शानदार, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक तो स्क्रीन साइज काफी बड़ी, जो आपको जब गेम खेलते समय जो आपको इफेक्ट मिलेंगे ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे. एक तो RGB लाइटिंग है इसमें जो काफी अच्छी. बजट में अगर आपको लेना है तो आप A7 की तरफ जाइए. थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो A17 बहुत कुछ देने वाला है, उसमें आपको मजा आ जाएगा.